मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ जिज्ञासा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परिस्थितियाँ विपरीत हों तो कुछ लोग टूट जाते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास बना देते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा भी है कि विपदा में मन के पल का हथियार चलाना पड़ता है, अपने हिस्से का सूरज भी खुद खींच कर लाना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। सही मायने में देखें तो जीवन में वही आगे बढ़ा है जो हर परिस्थिति से लड़ा है, जिसने किस्मत को कोसा है कि मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है, भगवान मेरे साथ ही बुरा क्यों करता है, वह वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है, समय उसके हाथ से निकल जाता है। हमेशा जरूरी नहीं कि परिस्थिति हमारे अनुकूल हो, यदि परिस्थिति नहीं बदले तो हमें अपने मन की स्थिति को उसके अनुसार बदल लेना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख दोनों हमारे मन के ही भाव होते हैं, और जब हम अपने मन को मजबूत बना लेते हैं तो बहुत कुछ हमारे अनुसार हो जाता है। वह परिस्थिति जो हमें तकलीफ देती है वह धीरे धीरे सुख में बदलने लगती है, क्योंकि हमारा अंतर्मन उस परिस्थिति के लिए तैयार हो जाता है। हमें उन परिस्थितियों से हारना नहीं है, बल्कि जमकर मुकाबला करना है सूरज के जैसे। जिस तरह से सूरज सुबह उगने से पहले कई घंटे अंधेरे से लड़ता है, उसे दूर भगाता है, फिर उगता है, पूरे संसार को अपनी रोशनी से भर देता है, उसी तरह से हमें भी अपने अंधेरे से लड़ना है, उसे दूर भगाना है और एक दिन सूरज के ही जैसे उगना है और चमकना है। और इससे पहले कि परिस्थितियां ही हमारी ज़िंदगी की दिशा बदल दें, हमें साहस दिखाना है और अपनी परिस्थिति को ही बदल डालना है। तो चलिए इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो हो चुकी है हमारे दिन की शुरुआत आलू मटर के पराठे बनाने के साथ। तो कैसा है हमारा पूरा परिवार? आशा करती हूँ कि हमारा पूरा परिवार काफी स्वस्थ है, काफी अच्छा है और अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ और एक नई पॉजिटिविटी के साथ। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में और आज बनने वाले हैं हमारे किचन में, आप जैसे टाइटल से, थंबनेल से समझ गए होंगे, आलू मटर के पराठे, जबरदस्त स्वादिष्ट वाले आलू मटर के पराठे, क्योंकि सर्दियाँ जोरों पर हैं और आज है संडे, क्योंकि ये संडे का ब्लॉग ही है और ये संडे को ही जा रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या है कि आज के आज ही जाए। तो बस मैं इधर बना रही हूँ दूसरी तरफ काढ़ा, तो ये काढ़ा मैं बना के रख लूँगी, क्योंकि शाम को, आज हमारा सुबह हमने काढ़ा पिया भी नहीं था, तो शाम के लिए मैं तैयार कर रही हूँ कि शाम को हम लोग पी लेंगे। तो बस आलू मैंने पहले उबाल लिए थे, उसके बाद मैंने उबाली है मटर। तो मटर अभी बस कुकर खोल ही रही हूँ और मटर हरी मटर जो है वो निकाल ही रही हूँ उसमें से, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो बस मैं थोड़ी ज़्यादा ही पिट्ठी जो बना रही हूँ वो थोड़ी ज़्यादा ही बना रही हूँ, क्योंकि ताकि ये मेरा ना ब्रेकफास्ट का काम तो करेगा ही, बल्कि साथ में शाम का चाय के साथ मुझे सैंडविच भी बनाने हैं इसके आलू मटर की पिट्ठी के। तो बस बच्चों की फरमाइश थी कि बच्चे तो सुबह के लिए ही बोल रहे थे कि सैंडविच बनाऊँ, लेकिन मेरा मन था कि आलू मटर के मतलब पराठे बनाऊँ, मेरा भी मन था और हस्बैंड का भी मन था। तो बस इसी दोनों की मतलब सब लोगों की पसंद को दिमाग में रखते हुए मैंने कर लिए यहाँ पर आलू मटर की पिट्ठी तैयार। तो इसमें डाला क्या है, मैंने हरी मिर्च काटी थी, हरा धनिया काट लिया है, उसके साथ मैंने लाल मिर्च उसमें नहीं डाली थी बिल्कुल भी, बस सूखा धनिया और स्वाद अनुसार नमक, बस ये मसाले मैंने ऐड किए थे। हींग मेरे पास ख़त्म हो रखी थी, हींग अगर आप लोगों के पास हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो कब बनाकर खा रहे हो आप भी आलू मटर के पराठे, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये हो रही है मेरी चटनी तैयार, थोड़ी डिफरेंट तरीके वाली, हरे धनिए की चटनी है ये, हरा धनिया है इसमें, टमाटर है, लहसुन है और हरी मिर्च है, और स्वाद अनुसार नमक है इसमें भी केवल, बहुत सिंपल सी लेकिन थोड़ी मोटी वाली चटनी होती है ना ये, वो है तो कभी कभी अच्छी लगती है। तो वैसे तो मैं सिल पर बनाने वाली थी, वो होता है ना पत्थर वाला जो होता है सिल पीसने वाला, उस पर बनाने वाली थी, लेकिन बस थोड़ा जल्दी जल्दी के कारण मैं उस पर नहीं बना पाई, फिर मैंने ये चॉपर में ही चॉप कर ली। तो बस हमारी चटनी भी बनकर हो गई है तैयार, और आप इसके साथ दही के साथ भी खा सकते हो, और इन पराठों को रायते के साथ खा सकते हो, चाय के साथ, हरी चटनी के साथ, और लाल वाली चटनी होती है टमाटर वाली उसके साथ, केचप के साथ, अचार के साथ, जिस मर्जी के साथ खाइए, या बिना किसी के साथ भी खाइए, एकदम बहुत ही ज़बरदस्त पराठे होते हैं ये, तो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो बस पराठों का तो मौसम चल रहा है, ये देखिए मैंने भरकर इसमें पिट्ठी भरी है, काफ़ी ज़्यादा पिट्ठी भरी है,
और मैं देखो थोड़ा पास करके और दिखा देती हूँ आपको। और पिट्ठी से भी आप देखो ये समझ रहे होंगे कि ये भर भर के अच्छे से भर भर के मोटे वाले वो होते हैं ना बाहुबली पराठा बनने वाला है ये आलू मटर का। तो क्योंकि जब तक इसमें पिट्ठी भरी हुई नहीं होगी ना अच्छे से, तब तक वो मज़ा ही नहीं आएगा मटर का। तो मटर भी मैंने, बल्कि मैंने मटर ना कल ही छील के रख दी थी इसमें, क्योंकि मेरा डिसाइड था कि मैं कल आलू मटर के पराठे ही बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है मटर छीलने में, आप सब समझते ही होंगे। और सुबह सुबह ये काम करने तो बहुत ही वो होते हैं, क्योंकि एक तो सर्दी का मौसम अभी गया नहीं है, सर्दियां भी काफ़ी हैं, दो तीन दिन तो हमारे यहाँ धूप निकली थी अच्छी खासी, और अब पता नहीं कहाँ चली गई फिर से धूप। आज संडे वाले दिन भी धूप बिल्कुल भी नहीं थी। तो बस इधर मेरा पराठा सीख रहा है और मैं यहाँ बना रही हूँ तेल में, सरसों का तेल होता है ना उसमें बना रही हूँ पराठा। तो दूसरी तरफ मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, क्योंकि मैं और हस्बैंड हम खाएंगे चाय के साथ भी, मतलब चाय भी चाहिए हमें पराठे के साथ। तो बच्चों के लिए, बच्चे अपना जिससे खाएंगे उससे खा लेंगे। चटनी भी बना दी है मैंने, केचप भी है, और ऐसे भी खाएंगे तो ऐसे भी खा लेंगे। और मिर्च थोड़ा मैंने हल्की ही की है। तो ये देखिए करारे करारे पराठे क्रिस्पी वाले एकदम तैयार हो गए हैं हमारे। तो आ जाइए भाई, और आप जिस मर्जी से खाना चाहो खा लीजिए भाई आप भी आके। और ये मैंने ना कप में दूध करके रख दिया था, तो हस्बैंड ने वही डाला है चाय में, क्योंकि मेरे हाथ आटे के और उसके पिट्ठी के हो रखे हैं ना, क्योंकि अगर मैं चम्मच से भरती तो ये नए आलू हैं जो आजकल आ रहे हैं, तो ये ना पिट्ठी जम जाती है ठंडी होने के बाद में ना काफ़ी, तो चम्मच से ना फिर काफ़ी टाइम लगता है और वो फटे फटे हो जाते हैं फिर पराठे ना आटे में, मतलब फिर चम्मच से वो अगर पिट्ठी को दबा दबा के भरते हैं तो फिर अजीब से हो जाते हैं। तो वही मैं हाथ से ही भर रही हूँ इसीलिए अच्छे से, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा भी भरने हैं। और ये आ गई है छोटा, देख रही है छोटा पिट्ठी को, तो छोटा चम्मच से काट रही थी, वही मैं मना कर रही हूँ, उसमें चम्मच गड़ भी नहीं रही है क्योंकि। तो बस करारे करारे पराठे हमारे सिकते जा रहे हैं, और मैं घी वगैरह नहीं लगा रही हूँ सर्दी में, आप देखो समझ सकते होंगे कि घी जम जाता है ठंडा होके ना, फिर वो अच्छे नहीं लगते पराठे उसके, कि वो गरम गरम तो सही भी रहते हैं ठंडा होके, लेकिन ना रूखे रूखे जैसे हो जाते हैं, घी जैसे जम सा जाता है। तो बस ये देखिए पराठा मैं प्लेट लगा दे रही हूँ बच्चों के लिए, यहाँ पराठा रख दिया प्लेट में और चटनी भी कर दी है साथ में, बोल रहे हैं बच्चे क्योंकि कि थोड़ी सी चटनी कर दो। और वैसे मिर्च मैंने कम ही डाली थी इसमें, टमाटर और धनिया वगैरह ज़्यादा डाला है और लहसुन ज़्यादा डाला है। तो फ्रेंड्स हमारी प्लेट लग चुकी है, आ जाइए आप भी। तो इसी के साथ करेंगे इस ब्लॉग का एंड, मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक लिए नमस्कार और बाय बाय।